भाई साहब भाई नंद लाल ने बड़े सुंदर बोल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाबत कहे ने। वो महापुरुष फारसी दे विच एक बचन कहिंदे ने, कहिंदे देखो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जो परमेश्वर दा स्वरूप ने उन्हां बाबत शेर एक उचारदे ने। अच्छा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप भी ये वचन किया है, हमू गुरु गोबिंद सिंह हमू नानकस्त हमू रतन जौहर हमू माणकस्त, कहिंदे मैं ही गुरु नानक हाँ मैं ही गुरु गोबिंद सिंह है। ते भाई नंद लाल भी कहिंदे ने सल्तनते दोहमश सल्तनते दोहमश दस्त पेचे देवाने दौर गीर वाजेबो आरायशे जावेदानी शरीर। ये अर्थ समझो, सल्तनत दा मतलब है पातशाही। पात कहिंदे ने तख्त नूं ते शाह कहिंदे ने तख्त ते बैठन वाले नूं। दहुम फारसी विच दस नूं कहिंदे ने। अगे आए दस्त, दस्त हाथ नूं कहा जांदा है ते पेचे दा मतलब हुंदा मरोड़ के सुट देना। भाई नंद लाल आखण लगे देवाने दौरगीर, देवाने दा मतलब है शैतान, दौरगीर पकड़ लेना। गुरु गोबिंद सिंह कोई होर नहीं आया, गुरु नानक दे तख्त दा दहम दसवां मालक है, जो तो ही है कहिंदे दसवां मालक है। गुरु नानक साहब ज्ञान दे नाल मरोड़ के सुट दे सन ते गुरु गोबिंद सिंह हथां नाल तलवार दे नाल मरोड़ के सुटदा है, क्योंकि उदों अग्ञान दा अंधकार सी ते ज्ञान दी तलवार चलाउणी पई। जदों राजसी पाप वध गया ते फिर प्रतख लोहे दी खड़ग चलाउणी पई। दीन दुनिया दे मालक स्वतंत्र पातशाह ने, गुरु नानक दे तख्त दे दसवें वारस ने, दीन धर्म दी खातर जूझण वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने। जिहनूं भी पढ़ लो, भाई गुरदास नूं पढ़ लो, भाई नंद लाल नूं पढ़ लो, तुहानूं समझ लगेगी भी ये जिहड़ियां पातशाहियां ने इन्हां विच अजमत ते कोई है, जोत ते कोई है, केवल शरीर बदले ने। सो महाराज ने जे पहले जामे च यह गल आखी ना, जय श्री माया वै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, कहिंदे मैं कुछ नहीं जानता, यह खसम की बाणी है जो मैं उचार रहा। जदों दसवें जामे च दसम बाणी उचारी तो गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे की कहिंदे ने महाराज, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आखण लगे जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हो जग माहे। की फर्क है दोनों लफ्जा दसो, सिर्फ भाषा का अर्थ दोनों के एक ने। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे जो रब ने कहा उही मैं दुनिया नूं कहण लगा, मैं कोलों कुछ नहीं कहिंदा। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने रबाब दी तार तो सिखी शुरू की है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने नगारे दी चोट ते संपूर्ण की है। ये रबाब तो नगारे तक दी दास्तान है, ये पहली पातशाही तो दसवीं पातशाही तक दी दास्तान है। जे सिख दा जीवन रबाब दी तार ते शुरू हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह दा जीवन संपूर्ण तलवार दी तार ते कीता है। तार तो रबाब तो आगाज है ते तलवार दी तार ते अंत है। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह और इकलौती हस्ती होए ने इस दुनिया दी जिसने अपना सारा पिछला जीवन बयान कर दिता।